हाय दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़ियाल। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते दो बड़ी फिल्में दस्तक दे रही हैं। जी हां, जहां एक तरफ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर रिलीज हुई, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी और अमिताभ बच्चन की फिल्म सियारा नरसिम्हा रेड्डी रिलीज हुई है। दोनों ही फिल्मों को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। हर कोई ये सोच रहा था कि आखिर इन दोनों ही बड़ी फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करेगी। वहीं अब लीजिए दोनों ही फिल्मों के हिंदी वर्जन के आंकड़े सामने आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म वॉर की। इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी वर्जन में 51,60,00,000 रुपए की कमाई की है। ये बॉलीवुड की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। साथ ही इस फिल्म ने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। बात करें वॉर के बजट की, तो फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए है और इस फिल्म को भारत में 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। बात करें सायरा नरसिम्हा रेड्डी की, तो इस फिल्म ने पहले दिन हिंदी वर्जन में 2,60,00,000 रुपए की कमाई की है। साथ ही इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हिंदी वर्जन में इस फिल्म को 1200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो वॉर ने सियारा नरसिम्हा रेड्डी को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी है। बता दें कि ऋतिक और टाइगर वॉर को क्रिटिक्स की तरफ से भी बेहद शानदार रिस्पांस मिला है। फिल्म में दोनों के एक्शन की जमकर तारीफ हो रही है। इस फिल्म में इन दोनों के अलावा वाणी कपूर भी इम्पोर्टेंट रोल में है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म कौन से बड़े इतिहास रचती है। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।